नमस्कार दोस्तों मैं में ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की नई परीक्षा तिथियों में नए टाइम टेबल के बारे में दोस्तों नया टाइम टेबल है वो सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज्यादा आ रहा है कि नया टाइम टेबल है दोस्तों वो जारी हो चुका है और विश्वविद्यालय ने भी कन्फर्म कर दिया है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके नए एडमिट कार्ड है दोस्तों वो भी कब तक जारी किए जाएंगे जो नया टाइम टेबल आया है उसके हिसाब से लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा

परीक्षा तिथियां क्या रहेगी मैंने आपको बताया था कि यदि दोस्तों लॉकडाउन है वो चौदह अप्रैल को खत्म हो जाता है तो लगभग आपकी परीक्षाएं हैं वो लगभग मानकर चलिए दोस्तों 25 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में हो सकती है और इस स्थिति में दोस्तों जो आपका टाइम टेबल है वो 18 से 20 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर अभी टाइम टेबल जारी करने की बातें आ रही हैं मैंने आपसे पहले कह दिया था कि दोस्तों जो 14 अप्रैल से पहले नए टाइम टेबल जारी होने की बात कर रहे हैं दोस्तों वो फेक न्यूज चला रहे हैं और उसी का सबूत दोस्तों आज है वो न्यूज पेपर में भी आ चुका है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी देखते हैं दोस्तों वो न्यूज ये देखिए दोस्तों विश्वविद्यालय परीक्षाओं की सोशल मीडिया पर फर्जी टाइम टेबल विश्वविद्यालय ने की शिकायत बीएससी एस सी सेकंड ईयर की परीक्षाओं की जारी की झूठी जु, थी थी दोस्तों अभी तो केवल बीएससी एस सी सेकंड ईयर की की है लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है ये सभी कक्षाओं की जारी कर देते हैं और फिर दोस्तों छात्र है वो भ्रमित हो जाती है देख लेते हैं सोशल मीडिया जितनी लोगों के लिए सूचनाओं का केंद्र बना हुआ है उससे ज्यादा फर्जी खबरों के लिए भी जाना जाने लगा है सोमवार को ही सोशल मीडिया पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर फर्जी समय सारणी जारी हुई खबर विश्वविद्यालय को लगी तो वे भी हो गए क्योंकि उसमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू होने वाली परीक्षाओं की तिथियां बताई गई जब इस संबंध में अब तक विश्वविद्यालय ने कोई निर्णय नहीं लिया और ना इस तरह की कोई योजना बनी ऐसे में विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों के के सामने भ्रम की स्थिति बन गई इस कारण विश्वविद्यालय कुल सचिव भवन सिंह चारण ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर विश्वविद्यालय के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की अब पुलिस की साइबर सेल इस बात का पता लगाई कि विश्वविद्यालय के बारे में यह झूठी खबरें कहां से शुरू हुई कहां तक पहुंची फर्जी तिथियों में तेईस अप्रैल से तेईस

जो एग्जाम परीक्षा नियंत्रक होते हैं उनके सिग्नेचर नहीं थे इसलिए मैंने उनसे कहा कि अभी तक कोई टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है और चौदह अप्रैल तक टाइम टेबल का जारी होना लगभग आप नामुमकिन ही मानकर चलिए फिर भी दोस्तों विश्वविद्यालय से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकलकर आती है आपके महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की चाहे बी की परीक्षा हो बीएससी की हो बीकॉम की हो बी एफ ए बी सी एल एल बी एम एम एस सी एम कॉम बी एड बी पी एड किसी की भी दोस्तों मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा विश्वस्त खबरों के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा को मैं हूं ऋतिक बोत्रा धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें